वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्री अकाल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग हम लोग आज सेक्शन 73 और ऑनवर्ड्स जो हम लोग सेक्शन जो है हमारी कंपनसेशन के रिगार्डिंग है, उस सेक्शन के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। बेरेट लैंग्वेज जो आज मैं नहीं करवाऊंगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा स्पेशल 73 से लेकर 75 जो सेक्शन है उसके। बेरेट लैंग्वेज को भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा बेरेट के रिगार्डिंग। लेकिन आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे 73 से लेकर ऑनवर्ड कंपनसेशन के रिगार्डिंग, जो कुछ प्रोविजंस जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग, उसके इंटरप्रिटेशन क्या बोल रही है। हम बात कर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास रेमेडीज क्या होंगी। तो पहली रेमेडीज हमारे पास है रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस। एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि आप जो है बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिजाइन करवा के डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। सेकेंड थिंग, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हो एंड इंजंक्शन भी ले सकते हो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, ये भी आपके पास रेमेडीज अवेलेबल होती है हमेशा। अगर आप चाहते हो कि हाँ वो पर्सन ब्रीच करने के बजाय वो स्पेसिफिकली उसको परफॉर्म करे, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में उसको क्लेम कर सकते हो। थर्ड हमारे पास रेमेडीज है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट, ये नंबर ऑफ टाइम्स प्री में और मेन में भी क्वेश्चन आया था इसमें, ये क्वांटम मेरिट है क्या। क्वांटम मेरिट अगर मैं बात करूं सिंपल नॉर्मल सिंपल वर्डों में मैं आपको समझाता हूं। आपने एक वॉल कंस्ट्रक्शन करवानी थी, ठीक है जी, तो आपने ए को टेंडर दे दिया कि आप 100% जो वॉल वो कंस्ट्रक्ट करोगे एंड रिगार्डिंग विच यू विल पे, उसके जो लेबर होगी वो 50,000 होगी, वो आप उसको पे करोगे। तो उस पर्सन ने आपकी जो वॉल है 80% कंप्लीट कर दी, लेकिन उसके बाद उसको कहीं और ऑफर मिल गया, वो और कहीं चला गया, तो जो 20% रह गई थी वो आपने किसी और से कंस्ट्रक्शन करवाई। लॉ कहता है क्वांटम मेरिट में कि वो जो 80% उसने जो काम किया है यू हैव टू पे फॉर इट। ये नहीं कि वो 80% की उसकी लेबर आप खत्म ही कर दोगे। लॉ कहता है कि अगर 80% उसने काम किया है ना, तो आप उसकी लेबर दो, हाँ जो आपका लॉस हुआ है उसके रिगार्डिंग आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, बट यू हैव टू पे फॉर द जो उसने काम किया, जितना काम किया है उतना आप पे करो। तो ये हमारा क्वांटम मेरिट है, इट मींस एज मच एज इज अर्नड और इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन, जितना प्रपोर्शनली उसने वर्क डन किया है आप उतना उसको पे करो। इट सिंपली मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं डैमेजेस फॉर ब्रीच की रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो वी हैव अ केस हैडले वर्सेस बैक्सेंडेल। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट केस है, राइट। इसमें हमारे लिए जो हमारे जनरल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस को डिफाइन किया गया था। इस केस में क्या हुआ, जो प्लेंटी था उसकी मिल थी, वो उस मिल में एक शाफ्ट जो था वो टूट गया। शाफ्ट टूटने के कारण मिल का काम रुक गया। अब प्लेंटिफ का जो सर्वेंट था उसने डिफेंडेंट को अप्लाई किया कि हमें अर्जेंटली जो है वो एक शाफ्ट इमीडिएटली भेज दो ताकि हम लोग अपनी मिल का काम चला सकें। डिफेंडेंट जो कैरियर था उसने वो शाफ्ट लेके वो आ रहा था, लेकिन वो उसने देरी कर दी आने में, 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगा दी। अब प्लेंटिव कह रहा है कि अगर वो टाइमली आया था तो हमारा लॉस ना होता, हम लोग इतना प्रॉफिट अर्न कर लेते। लेकिन डिफेंडेंट को था कि उसके बाद शायद एक एक्स्ट्रा उनके पास होगा, इसलिए वो उसको यूज कर रहे होंगे, तो इसलिए वो लेके आराम से जा रहे हैं। अब शाफ्ट उसको दिया, प्लेंटिव ने डिफेंडर पे केस कर दिया कि अगर वो शाफ्ट हमारे पास आया था तो हमारी मिल जो थी वो स्टॉप ना होती, उससे हम लोग इतना प्रॉफिट अर्न कर लेते। लॉ कहता है कि जिस बात की डिफेंडेंट को नॉलेज ही नहीं थी, अगर आपने स्ट्रिक्टली बताया था डिफेंडेंट को कि भाई हमारे पास कोई शाफ्ट नहीं बचा, आप भेजोगे तो हमारा मिल का काम चलेगा, अगर इन केस अगर आप प्राइमरी पर नहीं आते तो मैं आपके रिगार्डिंग जो प्रॉफिट होगा, जो मेरा लॉस हुआ, मैं आपके ऊपर केस डाल दूंगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लेंटिव सही है। लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, डिफेंडेंट को यहां पर नॉलेज ही नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो लॉ कहता है कि वो सिर्फ सिंपल कंपनसेशन ले सकता है, ठीक है जी, वो जो प्रॉफिट का जो लॉस हुआ है उसके रिगार्डिंग वो डिफेंडेंट से क्लेम नहीं कर सकता। तो इसलिए हैंडले वर्सेस बैक्सेंडेल में कोर्ट ने कहा कि बेसिकली यहां पर हमारे पास टू टाइप्स के जो है हमारे पास डैमेजेस होते हैं। द फर्स्ट इज अ जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस में दोनों पार्टीज को पता है कि भाई इन केस अगर ब्रीच हुई तो हमारा इतना तो लॉस हो गई, दोनों पार्टीज को पता है। इन केस ऑफ ब्रीच दोनों पार्टी को पता है कि हमारा इतना लॉस होगा, वो हमारे जनरल डैमेजेस हैं, वो आप क्लेम कर सकते हो। एक आता है हमारे पास स्पेशल डैमेजेस।
लॉ कहते हैं स्पेशल डैमेजेस में आपको कारण बताने होंगे कि हाँ भाई आपको उसको डिफेंडेंट को बताना होगा, अगर डिफेंडेंट को नॉलेज ही नहीं उस बात की तो आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पर स्पेशल डैमेजेस की बात करें, सो ये दोज डैमेजेस विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस अफेक्टिंग द प्लेंटिव, दे आर नॉट रिकवरेबल अनलेस द स्पेशल सर्कमस्टांसिस ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द डिफेंडेंट। लॉ कहते हैं जब तक आप डिफेंडेंट को प्रॉपर सर्कमस्टांस के बारे में नहीं बता रहे थे तब तक आप स्पेशल डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। लाइक इन केस ऑफ इसी केस में हम बात कर रहे हैं, वो डिफेंडेंट को बताया नहीं था कि हमारे पास और कोई शाफ्ट ही नहीं है। अब डिफेंडेंट तो ये सोच रहा है कि हाँ भाई इनके पास होगा, एक्स्ट्रा रखते ही हैं, डेफिनेटली रखते हैं, तो वो यूज कर रहे होंगे इसलिए वो आराम से आ रहा है, वो डिले हो गया उसको आने में दो तीन दिन। लॉ कहते हैं प्लेंटिव जो है उसका जो प्रॉफिट का लॉस हुआ है वो डिफेंडेंट से क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल नॉलेज ही नहीं है उसको डिफेंडेंट को कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इनका मिल का काम ही रुका हुआ है। तो वो इसलिए हमारे लिए इस केस में दो डिफाइन किए गए, डैमेजेस जो हमारा जनरल डैमेजेस है एंड सेकंड थिंग इज अ स्पेशल डैमेजेस। अब इस केस में फर्दर हमारे पास फर्दर एक केस आया, दैट इज विक्टोरिया लॉन्ड्री लिमिटेड वर्सेस न्यूमैन इंडस्ट्री लिमिटेड। इस केस में भी कहा कोर्ट ने कि बेसिकली जो फॉसिबिलिटी का रूल हमने यहां पर अप्लाई किया है, लॉ का ये जो रूल है इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फॉसिबिलिटी। फॉसिबिलिटी मींस डिपेंड अपॉन द नॉलेज ऑफ पर्सन, अगर किसी को नॉलेज है कि हाँ भी इसको लॉस हो सकता है इतना तो वो लायबल होगा, अदरवाइज वो लायबल नहीं होगा। लाइक इन केस डिफेंडेंट को पता नहीं था कि उनके पास कोई शाफ्ट ही नहीं है, तो अगर उसको लैक ऑफ नॉलेज है तो डेफिनेटली उसको पॉसिबिलिटी वहां पे है ही नहीं। अगर वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है, वो देख ही नहीं सकता उनका लॉस, तो डेफिनेटली वो जो प्रॉफिट का जो लॉस है वो डिफेंडेंट से क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है जी। देन वी हैव अनदर केस, दैट इज ब्रिटिश कोलंबिया सॉ मिल्स वर्सेस नेटलशिप का केस है हमारे लिए। अब इस केस में क्या हुआ, यहां पर भी लैक ऑफ नॉलेज ही है। द पार्ट ऑफ सॉ मिल्स, जो मिल्स होती है उसके पार्ट जो थे मशीनरी के वो मंगवाए गए और उनको पैक किया गया, नंबर ऑफ पैकिंग्स में पैक किया गया। अब जो पार्ट्स ऑफ जो मिल्स थे उसको जो डिफेंडेंट था वो कैरियर था उसको बैंक को पहुंचाने थे, और बैंक को पहुंचाते पहुंचाते उनका जो एक जो बॉक्स था वो गुम हो गया, एक केस गुम हो गया, जिसकी वजह से पूरी मशीनरी इंस्टॉल नहीं हुई। अब पूरी मशीनरी इंस्टॉल नहीं हुई जिसके कारण उसको लॉस भी हुआ, क्योंकि अगर वो मशीनरी इंस्टॉल हो जाती तो उसका काम चलता उसको प्रॉफिट होता, इतना प्रॉफिट होता। लॉक वो प्लेंटिव सूट फाइल कर दिया डिफेंडेंट के ऊपर कि भाई आपकी वजह से आप वो जो आपने जो वो एक जो बॉक्स था हमारा जो मशीनरी का पार्ट था वो आपने गुम कर दिया आते आते, इसलिए मुझे इतना प्रॉफिट जो होना था वो नहीं हुआ, तो आप प्रॉफिट के लिए भी जो है मेरे लिए वो लायबल होंगे, जो मुझे लॉस हुआ प्रॉफिट का उसके लिए आप लायबल होंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि बेसिकली ये तो जो डिफेंडेंट था वो सिर्फ सिंपल कैरियर था, उसको तो इसके रिगार्डिंग को पता नहीं था, उसको तो बॉक्स दिए और कि आपको तक पहुंचाने के लिए। अब वो बॉक्सेस आप तक पहुंचाने थे, आपने फर्दर मशीनरी इंस्टॉल कर दी थी, उसके रिगार्डिंग उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। लॉ कहता है कि जो उसने बॉक्स जो उसके उसी नेगलिजेंस के कारण वो गुम हो गया वो सिर्फ उसकी कॉस्ट के लिए लायबल होगा, ना कि आपके प्रॉफिट का जो लॉस हुआ आपके उसके लिए लायबल होगा। तो यहां पर क्लियर है कि लैक ऑफ जो नॉलेज है बेसिकली उसकी वजह से डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सिंपल एज पर हम बात करें पॉसिबिलिटी की, क्योंकि उसको तो पॉसिबिलिटी थी नहीं, उसको तो पता ही नहीं था उसके रिगार्डिंग, तो इसलिए वहां पर उनकी लायबिलिटी जीरो ठहराई है। देन वी हैव अ मेजर्स ऑफ डैमेजेस, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मेजर कैसे करेंगे डैमेजेस। लॉ कहता है वंस द एक्सटेंट ऑफ रिकवरेबल लॉस इज डिटरमाइंड, हमें जैसे ही पता लगे हमारा इतना लॉस हो गया तो सबसे पहले हम लोग उसको मनी में कैलकुलेट करेंगे कि हमें मनी में कितना हमारा लॉस हुआ है। हमारे दो ट्रक ठीक है जी वो लॉस हो गए, आग लगे उनको, हमें दो ट्रक का तो पता लगा उसमें कितना माल था, उसकी वैल्यू कितनी थी, अब वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो लॉ कहता है कि उसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मनी का लॉस, कि आपका टोटल मनी का लॉस कितना हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग लॉ कहता है कि फर्दर जो डैमेजेस होते हैं वो बेसिकली वो कंपनसेटरी नेचर उनके नेचर के होने चाहिए, ना कि पैनल के थ्री। आज जैसे ही आप कोर्ट कंपनसेशन जो है वो ऑर्डर पास करता है डिफेंडर के रिगार्डिंग, आप डिफेंडर के अगेंस्ट कंपनसेशन रिगार्डिंग होता है कि आप प्लेंटिव को इतना कंपनसेट करो, लॉ कहते हैं वो कंपनसेशन जो है वो कंपनसेटरी होना चाहिए ना कि पैनल। अगर उसकी वजह से डिफेंडेंट की वजह से उसका अगर वो एक बॉक्स गुम हुआ है जिसकी कॉस्ट सिर्फ 10,000 रुपये है, 10,000 रुपीज है,
तो आप उसके ऊपर 1 लाख रुपीज का क्लेम नहीं अलाउ कर सकते, ये तो पैनल नेचर का हुआ, ठीक है जी। अगर 1000 आपको पे करना है, प्लांटिंग कराई उसने ब्रीच कर दी, आप 1 लाख रुपया मुझे कंपनसेशन कर दवाओ, तो लॉ कहता है ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर 1000 के हम लोग 1 लाख आपको ऑर्डर कर देंगे पास, तो ये तो पैनल पनिशमेंट का रिगार्डिंग हो गया, मतलब इट्स अ पैनल इन नेचर। लॉ कहता है जो डैमेजेस होते हुए हैं वो हमेशा कंपनसेटरी नेचर के, उसको कंपनसेट कर दें एटलीस्ट, ना कि डिफेंडर को पनिशमेंट दे दें, इसको भी आप ध्यान में रखना। तो डैमेजेस एज गिवन by way of compensation for the loss suffered by the plaintiff and not for the purpose of punishing the defendant for the breach. Law कह रहा है कि जब भी court compensation allow करेगी, वो एक बार हमेशा ध्यान में रखेगी कि वो पैनल नेचर का नहीं होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि आप plaintiff को तो फेवर कर दो लेकिन वहां पर defendant को punishment हो जाए, ऐसी पैनल नेचर की compensation नहीं होनी चाहिए। Then we have another thing, वहां पर हम बात करें mental pain and suffering की, ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं। लोग कहते हैं अदरवाइज मेंटल पेन के रिगार्डिंग, जो सफरिंग के रिगार्डिंग हम लोग कंपनसेशन अलाउ नहीं करते, लेकिन वी हैव अ नंबर ऑफ केसेस आल्सो, लाइक वेस्टर्न वर्सेस ओलेथ स्टेट बैंक। ओलेथ स्टेट बैंक ने प्लेंटिव को कहा कि आप कहीं घूम के आओ और उनके रिगार्डिंग हम आपको लोन दे रहे हैं इतना, आप जाओ हम लोग आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे। प्लेंटिव ऑन डैट कि वो डाल देंगे, वो चला गया घूमने, अब वहां पर चला गया लेकिन यहाँ पर बैंक वालों ने उनके पैसे नहीं डाले। पैसे ना डालने के कारण वहां पर उनको जो सफरिंग हुई है, जो मेंटल पेन वहां पर सहना पड़ रहा है, अरेंजमेंट ऑफ मनी करनी पड़ी उसको। लॉ कहता है कि उसके रिगार्डिंग जो है जो बैंक है वो उसको कंपनसेट करेगा प्लेंटिव को। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समटाइम्स इट हैपेंस कि मेंटल पेन एंड सफरिंग भी कोर्ट उसको अलाउ करके उसमें डैमेजेस क्लेम जो है वो प्लेंटिव के रिगार्डिंग ऑर्डर पास करती है, उसके फेवर में ऑर्डर पास करती है। नॉमिनल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस की अगर बात करें तो आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से, ब्रीच के कारण अगर प्लेंटिव को कोई लॉस नहीं हुआ लेकिन वहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरूर है, इन स्पाइट ऑफ डैट की अगर आपको कोई लॉस नहीं हुआ तो प्लेंटिव के पास राइट जरूर है कि वो नॉमिनल डैमेजेस क्लेम कर सकता है कोर्ट में जाकर, ठीक है जी। तो नॉमिनल डैमेजेस जो है वो हमेशा कोर्ट उनको अलाउ करेगी। तो यहां पर क्लियर है कि वे द plaintiff suffered no loss, the court may still award him nominal damages, वो allow करेगी in recognition की उनका वहां पर breach of contract हुआ है। अगर breach of contract हुआ तो definitely plaintiff का right भी है, तो law कहता है कि इस वजह से basically हम लोग nominal जो damages हैं वो हम लोग plaintiff को देंगे। Then we have exemplary damages, law कहता है कि ऐसी exemplary award जो है basically वो पनिशमेंट के अंदर फॉल कर जाते हैं, वो पैनल नेचर के होते हैं हमेशा। तो नॉर्मली क्या होता है, दीज आर अवार्डेड विद अ व्यू टू पनिशिंग द गिल्टी पार्टी फॉर द ब्रीच एंड नॉट बाय वे ऑफ कंपनसेशन। समटाइम्स इट हैपेंस कि हम लोग कंपनसेशन की वजह से हम लोग उसको बेसिकली उसको पैनल इन नेचर के रिगार्डिंग हम उसको कहते हैं कि आप इतना डैमेजेस दो, एग्जाम्पलरी डैमेजेस दो। सो दस दीज डैमेजेस हैव नो प्लेस इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं भी जो है ऐसा नहीं है कि जिसको कोर्ट में आपको कोर्ट को पावर दी गई हो कि आप एग्जाम्पलरी जो है डैमेज वो अलाउ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम टॉर्ट में बात करें तो टॉर्ट में दिया नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, लाइक भोपाल जो ट्रेजिडी हुई थी हमारी, 715 crores जो थे वो कोर्ट ने अलाउ किए, वो हमारा टॉर्ट है। इट इज रिगार्डिंग द जो न्यूसेंस हुआ था, जो डेंजरस थिंग जो स्प्रेड हो गई थी, वो लीक हो गई थी, उसके वजह से नंबर ऑफ पर्सन की डेथ हो गई थी, वो टॉर्ट में इतना एग्जाम्पलरी पनिशमेंट है, लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं है, ये हमारी सबसे कमी है भरी। अदरवाइज फॉरन स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसी कोई गड़बड़ होती है तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट भी वहां पर प्रोवाइड की गई है, लेकिन हमारे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं प्रोवाइड की गई, ये आप ध्यान में रखना। Then we have another point, duty to mitigate. Law कहता है कि plaintiff जो है अगर उसको लग रहा है कि breach of contract हो रहा है, it is a duty of the plaintiff कि वो loss को कम करने की कोशिश करे, it is his duty। तो law कहता है कि जितना वो mitigate कर सकता है वो उसकी duty है कि उसको mitigate करे, कम करे loss को, इतनी कोशिश कर सकता है वो।
लेकिन जहाँ पर वो हेल्पलेस है डेफिनेटली वो क्लेम करेगा करेगा ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो एक्सप्लेनेशन भी हमारे ऐड की गई सेक्शन 73 में, क्योंकि उसकी डायरेक्ट लैंग्वेज में आपको प्रॉपर बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सेक्शन 73 की जो एक्सप्लेनेशन वहाँ पर लिखा हुआ है, इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द मीन्स विच एग्जिस्टेड ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो लॉ कहते हैं कि प्लेंटिफ ने क्या कोशिश की कि वो जो उसका लॉस है वो कम हो, वो भी हम लोग एक्ट जो प्लेंटिफ का एक्ट है वो उसको ध्यान में रखेंगे जब भी कोर्ट जो है डैमेजेस के रिगार्डिंग क्लेम जो है वो फाइनली डिसाइड करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है जी। देन इसमें जो ड्यूटी टू मिटिगेट की रिगार्डिंग बात करें, यहाँ पर एक केस था जमाल वर्सेज मुल्ला दाऊद सन्स एंड कंपनी, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स ये मेन में आ चुका है। व्हाट हैपेंड इन दिस केस, जो प्लेंटिव था उसने 23,500 शेयर्स जो थे वो डिफेंडेंट को सेल कर देते, ठीक है जी। 23,500 शेयर डिफेंडेंट को सेल करने थे और वो डिलीवर करने थे 30th दिसंबर 1911 को उसने शेयर डिफेंडेंट को डिलीवर करने थे। अब उस दिन जब वो डिलीवरी डेट थी उस दिन जो थे वो प्राइस काफी नीचे कर गया, जिस वजह से जो डिफेंडेंट था उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं लूंगा शेयर, मैं क्यों परचेज करूं लॉस में, मैं परचेज नहीं करने वाला, क्योंकि उसको भी लॉस होता था। लॉ कहता है कि उस दिन जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हुआ 30th दिसंबर 1911 को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो डिफेंडेंट ने मना कर दिया मैं नहीं लेने वाला, जिसकी वजह से प्लेंटिव को उस दिन 1,09,218 रुपीज का लॉस हो रहा था उस दिन। एक्चुअल में वो लॉस प्रॉपर था, एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉस कितना था 1,09,218 रुपीज। लेकिन बाद में जैसी मार्केट अप हुई तो शेयर्स का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा आगे, तो जो प्लेंटिव था उसने वो शेयर किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दिए और जिसकी वजह से स्टिल उसको कितना लॉस सहना पड़ा, 79,860 रुपीज का लॉस फिर भी उसको सहना पड़ा। अब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर सूट फाइल कर दिया कि आपकी वजह से जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मेरा जो लॉस था 1,09,218 रुपीज का लॉस था, आप वो मुझे दो। डिफेंडेंट कह रहा है कि क्योंकि आपने वो शेयर किसी और को सेल कर दिए और वो जो आपका लॉस है वो टोटल वो सिर्फ 79,862 रुपीज रह गया, तो मैं इसके लिए लाइबल हूं, मैं आपको 79,862 रुपीज दूंगा, ना कि 1,09,218 रुपीज। लेकिन कोर्ट ने कहा कि बेसिकली जो डेट है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो हम लोग तय करेंगे, उस दिन जो मार्केट प्राइस क्या था और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के रिगार्डिंग क्या था उसका जो लॉस है उसको बेयर करना पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ द जब उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया था उस समय जो प्लेंटिफ को लॉस कितना था 1,09,218 रुपीज, तो कोर्ट ने हेल्ड किया डिफेंडेंट इज लाइबल टू पे 1,09,218 रुपीज टू द प्लेंटिफ। तो दिस इज द केस, इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, ठीक है, कि वो हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डेट ही हम लोग मेंशन करेंगे, वो अलग बात है कि जो प्लेंटिफ ने सब्सिक्वेंटली उसको शेयर किया वो डेट हम लोग नहीं ध्यान में रखेंगे, ठीक है जी, प्लीज इसको आप ध्यान में रखना। देन वी हैव लिक्विडेटेड डैमेजेस, वी ऑल नो लिक्विडेटेड डैमेजेस जो सर्टेन है। मैंने डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा कि इनकेस अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा वो कंपनसेट करेगा दूसरी पार्टी को 1,000 रुपीज। जो 1,000 रुपीज है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, लॉ कहते हैं जो लिखा हुआ है ना वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, उतना ही आप ले सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं रिकवर कर सकते, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग डैमेजेस की बात कर रहे हैं, तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखा भी है, डिस्कस नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस इन दिस केस। तो इस लेक्चर में जो भी नंबर ऑफ केसेस हमने डिस्कस किए हैं प्लीज उसको आप लिख लेना, प्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, काफी इंपॉर्टेंट है हैडले वर्सेस बैक्सेंडले का केस, एंड वी हैव दिस इंपॉर्टेंट केस जमाल वर्सेस मूला दाऊद सन्स एंड कंपनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारे, तो प्लीज कीप इन